इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जो ये वैकेंसी निकली हुई थी GDS ग्रामीण डाक सेवक की, इसके भी बिहार महाराष्ट्र के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और बहुत से रिजल्ट अभी अंडर प्रोसीजर में है। तो हमारे यूट्यूब चैनल में और स्टूडेंट्स लगातार कमेंट करते हैं और मैसेज करके पूछते हैं कि इसमें किस प्रकार के सर्टिफिकेट चलेंगे, तो इसका जो नोटिफिकेशन आ रहा है वैकेंसी का उसको आप डाउनलोड करके देखिएगा। ये मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है। तो फॉर्म भरते समय जो इसमें कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स लगेगा उसके लिए आप नोटिफिकेशन के अंतर्गत इसकी डिटेल जरूर पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरी ऑफ GDS रेफर टू अबव विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरेशन फ्रॉम एनी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी बोर्ड, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी संस्था से जो कि मान्यता प्राप्त हो उसका यह सर्टिफिकेट चल जाएगा। अब हमारी संस्था जिसका नाम प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन है, हमारी संस्था देख लीजिए कहां से रजिस्टर्ड है। हमारी संस्था की वेबसाइट है tomarcomputer.in, जिसमें सभी हमारे सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। हमारी संस्था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है, जिसका कंपनी नंबर यहां पर दिया हुआ है और इसका सर्टिफिकेट भी हमने अपनी वेबसाइट में लगाया है। ISO सर्टिफाइड संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में और MSME में रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा प्रूफ यह है कि हमारी संस्था के द्वारा जारी किए गए 60 डेज के सर्टिफिकेट मान्य है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारी संस्था से 60 डेज का कोर्स किया हुआ है, आप देख सकते हैं उनके इस प्रकार से लेटर्स हमारे पास आते हैं वेरिफिकेशन के लिए, जो इस बात का सबूत है कि हमारे सर्टिफिकेट इंडिया में सभी स्टेट पे चल रहे हैं। ये देखिए, ये सारे लेटर आए हुए हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है और सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिस भी संस्था से कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, यदि उस संस्था का सर्टिफिकेट मान्य होता है तभी हेड पोस्ट ऑफिस वहां से उसके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए उस इंस्टीट्यूट, उस संस्था में उसका सर्टिफिकेट भेजता है और यहां वहां से उस पर सील साइन करके फिर से हेड पोस्ट ऑफिस भेजा जाता है। तो यहां पर देख सकते हो हमारी संस्था ने इतने सारे सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि हमारी संस्था के 60 डेज के सर्टिफिकेट ऑल इंडिया वैलिड हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो यहां पर ये PDF लगी हुई है, आप ध्यान से देख लीजिए। मैं पूरी PDF को स्क्रॉल कर रहा हूं, देखिए प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की वैधता की जांच के संबंध में स्टूडेंट का नाम दिया है, उसका सर्टिफिकेट नंबर दिया है और सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी भेजते हैं, उस पर सील साइन करके हम यहां से रिटर्न कर देते हैं। इसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। अब यदि आप भी GDS का फॉर्म भर रहे हैं और आपको अब पता चल चुका है कि यस हमारी संस्था के सर्टिफिकेट वैलिड हैं और इस जॉब में मान्य हैं, तो प्ले स्टोर में जाइए, माय कंप्यूटर कोर्स ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका लोगो इस प्रकार से है। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर टैब में जाइए और कोर्स ज्वाइन कीजिए, 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स। जैसे ही आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं 24 आवर्स में आपको सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाएगा, क्योंकि आपको अभी इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आप इसके कंटेंट ऑप्शन पे जाइए और यहां पर आपको Day 1 से लेकर के Day 60 तक के कंप्लीट वीडियोज, जी हाँ पूरे वीडियोज दिए गए हैं, जिसमें बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का पूरा प्रैक्टिकल करके आपको डिटेल में समझाया गया है। तो इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और GDS का फॉर्म भरने के लिए कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स को अभी ज्वाइन कीजिए।